जी बुलाइए, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानं, नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावप्पनासनो, सवपावप्पनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कौन शुरू करेंगे? ओके अनम्यूट करे आरव जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा प्रश्न था कि आत्मा की समाई कैसे करें? क्या आत्मा की समाई कैसे करें? आत्मा वो खुद सामायिक स्वरूप ही है, आत्मा की सामायिक नहीं करने की है। तो स्वामी जी बुक में लिखा हुआ था आत्मा की सामायिक। स्वामी जी बुक में लिखा हुआ था। क्या बुक में क्या लिखा है? कि आत्मा की सामायिक करनी चाहिए, सामायिक अगर हो जाती तो उससे आत्मज्ञान होता है। बुक में लिखा है? कौन सी बुक में लिखा है? वो बाहर पड़ी है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा चैट में। लेकिन किसने लिखा हुआ है? स्वामी जी पता नहीं, एक बुक में लेना चाहिए। स्वामी जी दादा भगवान आगे भी बहुत, मतलब दादा भगवान है ना, उस बुक में लास्ट में लिखा हुआ है दादा, उसमें स्वामी जी चक्र होना, उसमें 360 और 356 स्वामी जी दादा भगवान को ज्ञान हुआ था ना, तो लास्ट ही लास्ट में लिख रखा था। क्या लिखा है? आरव जी, आरव जी, मेरी समझ में ऐसा आता है कि ऐसी कैसी सामायिक करें जिसे आत्मा प्राप्त हो। आपने जो बोला ना आत्मा की सामायिक करना, वो प्रश्न शायद ठीक नहीं है कि सामायिक कैसी करें जिसे आत्मा प्राप्त हो। समझ गए? सामायिक ऐसी करनी चाहिए कि जिससे हमें आत्मा का अनुभव मिल सके। सही है, वो तो ये प्रश्न ठीक रहेगा, यही बताएं। समझ में आया जी? ओके महेंद्र आनंद जी, तो दादा भगवान ने जो बताया है आपने ज्ञान लिया हुआ है? नहीं। नहीं तो फिर वो सत्साधन तो आप करोगे ना? सत्साधन में जी जो करता हूँ, प्रातः विधि है, त्रि मंत्र है, नमस्कार विधि है, नौ कलमें है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, और कीर्तन भक्ति दादा भगवान असीम जी का रो, वो करेंगे ना तो सबसे बड़ी सामायिक होगी, उससे आत्मा का अनुभव हो सकेगा जी। वो नियमित आप नियमित करोगे ना तो सबसे बड़ी सामायिक है जो भगवान ने बताई हुई सामायिक है। समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। वो नियमित करो तुम। कर सबसे बड़ा स्वामी जी तो कर रहा हूँ। हाँ बस वही वही सबसे बड़ा सामायिक है, धीरे धीरे आपको आत्मा का अनुभव करवाएगी। समझ में आया जी?
जी दूसरा कुछ पूछा है जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रतिक्रमण के वक्त वक्त कैसे भाव होने चाहिए कि क्षमा के मतलब कि ऐसे होने चाहिए कि मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ या अपनी गलती देखने के भाव होने चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए? नहीं अपना तो अपन की खुद की गलती दिखनी चाहिए, ये मैंने कुछ गलत किया है उसके हिसाब से मुझे भुगतना पड़ा है। नहीं स्वामी जी कैसे भाव होने चाहिए उस प्रतिक्रमण करते समय? भाव तो ऐसे वाले भी मुझे मेरी गलती देखनी है, मुझे दूसरे की गलती देखनी नहीं है, और मुझे एक गलती में जो भी गलती हुई है उसमें से छुटकारा पाना है, उसमें से मुक्त होना है, और फिर से कभी ऐसे गलती नहीं हुए ऐसा नक्की करने का है। जी समझ में आया जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है अब? कौन है? कौन किसका प्रश्न है बोलिए? ये अनवी कुछ सोचती नहीं है क्या? जय सच्चिदानंद। मैं मतलब मेरे को फोन के प्रति बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब मैं फोन में चली जाती हूँ तो मैं पूरे दिन फोन ही कर सकती हूँ। बराबर। अभी क्या करती हो तुम? अभी 12th खत्म हुई है, एक एग्जाम बचा हुआ है। हाँ। तो अभी ब्रेक चल रहा है, 9th जुलाई को है पेपर। तो अभी 12th के बाद कहाँ जाने का है? 12th के बाद क्या करने का है? आईपी मार्ट के बारे में आगे क्या करने का है? MBA। MBA करने का है। तो तकलीफ क्या हो रही है? मैं फोन बहुत ज्यादा चलाती हूँ। बराबर है, लेकिन समझो कि आपको पढ़ना है, MBA करना है, ये तुम्हारा गोल है कि नहीं है? पर आखिर जीवन का गोल क्या है? पूरा जीवन का गोल क्या है? आगे क्या करना है पढ़ने के बाद भी? पढ़ने के बाद में मेरे को 1-2 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद में खुद की कंपनी सेटअप करनी है। बराबर है, तो समझो कि ये जो तुझे ये गोल अचीव करना है तो उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। तो ये गोल के हिसाब से आपको नक्की करना है कि भी कितना टाइम मुझे पढ़ने में देना है, कितना टाइम मुझे मोबाइल देखने में करना है, देना है, सब नक्की करने पड़ेगा कि नहीं? इसका आभास है मुझे, लेकिन मुझसे छूटता नहीं है, एक बार हाथ में आ जाता है तो मैं फिर... क्योंकि तुमको इंटरेस्ट ज्यादा मोबाइल में पढ़ने में नहीं है, तुमको गोल अचीव करना है, तुम्हारा परिपूर्ण करना है, तुम्हारा जो गोल है एमबीए बनना है, जॉब करनी है, फिर बिजनेस करना है अपने खुद का, तो फिर कैसे कर पाओगी? चलो भाई इंटरेस्ट तो है मोबाइल में, बराबर है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि नहीं भी कैसे हो सकेगा? ये देखना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, तो उसके हिसाब से नक्की करना पड़ेगा कि नहीं करना मुझे कितना टाइम पढ़ने में देना है, कितना टाइम मोबाइल में देना है, सब नक्की करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। वो तेरा डिसीजन आएगा तो डिसीजन के हिसाब से तेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फिर तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। हाँ लेकिन ये सोच सब सोच के तुम डिसीजन आएगा तो तेरा खुद का डिसीजन आएगा तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे का कहने से डिसीजन आएगा तो हो नहीं सकेगा, तेरा खुद का डिसीजन चाहिए। समझ में आया? तू खुद नक्की कर ले के मुझे इतना टाइम पढ़ने में देना है, इतना टाइम पढ़ाई में देना है, इतना टाइम मोबाइल में देना है, इतना टाइम टीवी में देना है। ठीक बात है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भी तू मोबाइल देखने का बंद कर दे, लेकिन तेरा जो गोल है
तुझे पढ़ाई करना है, आगे बिजनेस करना है, जॉब करनी है, जो तेरा गोल है, तो उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाई में? तो पढ़ाई के वक्त तू मोबाइल देखेगी तो क्या होगा? तू गोल अचीव कर सकेगी नहीं? तो तुझे ये सब सोचकर डिसीजन लेना है। तेरा मैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेती हूँ, जब मेरे बोर्ड्स वगैरह थे, प्री बोर्ड्स थे, तो मैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसे जैसे जैसे आगे तू पढ़ेगी, कोर्स भी लंबा आएगा ये सब, लेकिन ये मोबाइल का आदत पड़ जाएगा, फिर पढ़ने नहीं देगा। ये आदत पड़ गई ना, तो अभी से करना पड़ेगा। धीरे धीरे कोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी तो कम थोड़ा थोड़ा है, आगे पढ़ने का बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सा देखना पड़ेगा, सब सोच। तो एमबीए करना है तो उसके लिए सब जानकारी चाहिए कि नहीं? चाहिए। बहुत सी बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत सा नॉलेज चाहिए तुम्हें। समझ में आया आपको? हाँ हाँ। जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये आदत पड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? नंबर कम आएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, तो अभी ये आदत पढ़ाई की करने की है, लगाने की है। फिर तुम्हारा बिजनेस चालू है, तुम कितना भी मोबाइल देखो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? सही बात है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो वहां तक ही संभालने का है क्या? जहां तक पढ़ाई है वहां तक ही संभालने का है ना, ये मोबाइल का ये सब? आपको सुनाई नहीं दिया? ये जहां तक तेरी पढ़ाई है वहां तक ये बराबर करने का है कि नहीं? जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक ही संभालना है ना? हाँ। उसके बाद तो फ्री है ना? उसके बाद भी मोबाइल तो कम ही चलाना चाहिए ना। आज की बात आज में, अभी तो ये कर लो। समझ में आया कि नहीं? आ गया, आ गया। जहां तक पढ़ाई है वहां तक तो ये कर लो। हाँ हाँ। उस वक्त की बात उस वक्त सोचेंगे। सही बात है। तो अपना तो गोल अचीव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। नहीं तो अभी भी मोबाइल में पड़ी रहेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होएगा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं होगी, गोल भी अचीव नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात तो क्या करेगी अभी? बोल। मांगे स्वामी जी। तो अभी क्या करेगी? दादा से शक्ति मांग। हाँ हाँ, दादा से शक्ति भी मांगो, और जो ये सहज साधन बताया है ना वो नियमित करते रहो, उससे बहुत शक्ति मिलेगी। ये अंदर का जो अंतस्करण का शुद्धिकरण का प्रयोग है, ये सब शुद्ध होएगा तो अपने आप शक्ति बाहर आएगी और पूरी पढ़ाई में ध्यान लग जाएगा आपका। और दादा के पास भी शक्ति मांगो। हाँ। समझ में आया जी स्वामी जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी, रमेश जी पूछते हैं कि जयपुर से रमेश जी पूछते हैं कि चित्त को कैसे स्थिर करे? किसको? चित्त को कैसे स्थिर करे? तो चित्त कहाँ भटकता है आपका? संसार। सुन रहे हैं प्रेम देवी रमेश जी? हाँ। चित्त कहाँ भटकता है आपका? हाँ। कहाँ जाता जाता है? बोलो। हाँ, चित्त जो भटकता है उसको स्थिर कैसे करें? कहाँ भटकता है पहले? एक जगह स्थिर नहीं रहता। नहीं, वो तो उनका स्वभाव है, लेकिन चित्त कहाँ कौन सी चीज पे चला जाता है आपको? धंधे में चला जाता है, दूसरे में चला जाता है। मान लो पुरानी कोई चीज आ जाती है याद, मैं चाहता हूँ कोई भी चीज याद नहीं आए, पुरानी बात याद नहीं आए, चित्त याद तो आने वाली है,
जहाँ राग है या देश है, याद नहीं आनी चाहिए कुछ भी बात। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ ज्यादा राग है कि जहाँ ज्यादा देश है वो याद आएगी। अच्छा, उसके बिना याद नहीं आती। क्या करें, किसके किसी के प्रति राग है ज्यादा, किसी के प्रति देश है तो याद आएगी। अच्छा, फिर विचित वहां चला जाएगा। अच्छा, तो राग द्वेष के कई उसको जाना दे। क्या नाम आपका? तो उसको जाने दे चित को। हाँ हाँ, जाने दे उसको चित को। फिर समझ में नहीं है आपका सवाल क्या है, समझ में नहीं आता है। मैं मतलब जैसे पुरानी यादें आ गई तो मैं हाँ। चाहता हूँ कुछ भी याद नहीं आए, खाली चित्त में ही स्थिर रहे। एक ही याद आता है वो क्यों आता है याद? हाँ अच्छा, क्यों आता है याद आता है क्यों याद आता है कि कहीं पे राग है का नहीं तो कहीं पे द्वेष है। हाँ, उसके हिसाब से याद आती है। हाँ, उसके हिसाब से आती है बिल्कुल। समझ में आया ना? तो राग क्यों हुआ है, द्वेष क्यों हुआ है? तो क्या नाम आपका, आपका नाम क्या? हाँ, रमेश नाम है मेरा, रमेश। तो मैं रमेश हूँ तो वहां तक राग रहेगा, वहां तक द्वेष भी रहेगा। अच्छा, तो रिलेटिव से मैं रमेश हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो राग द्वेष होने से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, समझ गए। हाँ, आगे बढ़ो। तो निरंतर मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं हूँ, मैं शुद्धात्मा में रहो तो दूसरा चित्र कहीं भटकेगा नहीं। अच्छा जी, तो उसके लिए चरण विधि है, संसाधन नियमित हो जावे तो ये तुम्हारा बंद हो जावे जी। ये नियमित होता नहीं है। हाँ, उसके लिए सब ये प्रॉब्लम आता है जी। समझ में आया? हाँ, आगे समझ। जय सच्चिदानंद। श्रीकांत जी, जय सच्चिदानंद। श्रीकांत जी, हाँ जय सच्चिदानंद। श्रीकांत जी अनम्यूट करे, अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, एक कविराज का एक पद है, उसमें उन्होंने गुजराती में है ऐसा लिखा है, पड़ी गया ने बैठा करवा काम जो मुझे आ करवानू के मु पड़िया ए प्रश्न पूछो नहीं दादा श्री भगवान कहे। हाँ बराबर, क्या जानना है? तो इसमें यही जानना है कि इसमें दादा श्री कहना क्या चाहते हैं कि पड़ी गया ने बैठा करवा। फिर आगे क्या बोला है? पड़ी गया ने बैठा करवा काम जो मुख्य आ करवानू केम पड़ियो ए प्रश्न पूछो नहीं दादा श्री भगवान कहे। तो उसका हिंदी में क्या होता है, भी जो गिर जाता है हाँ, उसको बिठाने का है। हमें उसको पूछा भी क्यों गिर गया, ऐसा नहीं पूछा है। बराबर है, उसका मीनिंग ये होता है उसके जो गुजराती का हिंदी में जो गिर गया है उसको उठाना है हमें। हाँ, उसको पूछा नहीं अभी तू क्यों गिर गया। नहीं, इसमें मुख्य काम मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी में उसका ये मीनिंग है, लेकिन फिर ये क्या कहने मांगता है उसमें, वो गिर गया यानी कैसे गिरता है वो, कुछ कुछ लोड होता है तो गिर जाता है ना। बराबर है, कुछ दोष हो जाता है तो गिर जाता है ना, तो हम क्या करते हैं उसका दोष देखते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, तूने ऐसा किया उसने ऐसा हुआ, ऐसा हुआ ऐसा, तुमने नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना। बराबर है, ऐसा ही बोलते हैं ना, उसका दोष देखते हैं ना। भाई दोस्तों हो गया लेकिन उसके सत्ता में नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यस, एक दूसरा ऐसा दोषी है कि निर्दोष है? निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, अकाल तो निर्दोष है। सही रास्ता बताने का है ना। बराबर है, उसका दोष देखने का है।
नहीं, दोष नहीं देखने का है, तो सही रास्ता बताने का है ना, सही रास्ता बताने का, उतना ही करने का है ना, बराबर है, तो सही रास्ता मिल जाएगा तो खड़ा हो जाएगा कि नहीं, बराबर है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ये एकदम अभी आपने जो समझाया, दोष देखने का नहीं, इसमें नहीं भूल नहीं, लेकिन उसको सही रास्ता बताने का है कि नहीं, सही रास्ता बताएंगे तो खड़ा हो जाएगा कि नहीं, सही रास्ता बताएगा तो खड़ा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, बराबर है, लेकिन हम क्या करते हैं, तूने ऐसा किया वैसा किया, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करते हैं ना, बराबर, ये गलती है, क्या करते हैं अपन, दोष देखते हैं उसके और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं ना, बराबर है, समझ में आया, नहीं एकदम समझ में आया, ऐसा ही एक दूसरा छोटा पद है कि कण खलानो अकड़ो करवा आत्मा मां शक्ति छे नहीं, क्षेत्र छे अनंत शक्ति दादा श्री भगवान कहे, ये तण खलानो ककड़ो करवा ये समझ नहीं पाया, तणखलानो तणखलानो ककड़ो करवा आत्मा मां ताकत नथी, आत्मा मां शक्ति छे नहीं, क्षेत्र छे अनंत शक्ति दादा श्री भगवान कहे, ये जो जो अनंत शक्ति की बात है ना, हाँ, वो कोई भी वो ऐसी शक्ति है आत्मा में भी, कैसा भी संजोग आए आपकी स्थिरता नहीं चली जाए, समझ में आया ना, ऐसी जबरदस्त शक्ति है, लेकिन उसको एक तड़ा भी तोड़े की शक्ति नहीं है, नहीं मैं तड़खलानो समझा नहीं, कपड़ो करवा तनखलानो ककड़ो करवा ये समझा नहीं मैं, जैसे अपने वो पापड़ आता है कि नहीं खाने में, हाँ, तो पापड़ कितना कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि हल्का होता है, एकदम हल्का होता है, हाँ, तो वो भी तोड़ नहीं सकता है, अच्छा समझ में, हाँ हाँ, तनखला है कि वो घास घास समझ में आता है ना, हाँ घास समझ में आता है, तो उसके तोड़ने की भी शक्ति है नहीं उसको, अच्छा, लेकिन अनंत शक्ति वाला है, तो अनंत शक्ति वाला कैसे है, तो कैसे भी संजोग आए, लेकिन आपकी स्थिरता नहीं चली जाए, उसकी जबरदस्त शक्ति ऐसी है उसपे, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे महावीर भगवान को बरू खाने का आया कान में, हाँ, तो कितने स्थिर है, दूषित नहीं देखा, हाँ, लेकिन ये स्थिर कितने रहे, स्थिर रहे कि नहीं, हाँ स्थिर रहे, आत्मा में थे इसलिए स्थिर रह पाए, तो आत्मा में थे तो स्थिर हो गए, स्थिर हो गए कि नहीं, बराबर है, तो शक्ति कहाँ से आई, मतलब स्वक्षेत्र छे अनंत शक्ति, हाँ, तो ये यानी कि अपने खुद में रहे, स्वस्वरूप में रहे, हाँ, उद्गल स्वभाव में नहीं रहे, तो हाँ, शक्ति सब बाहर आ गई कि नहीं, बराबर है, बराबर है एकदम। और एक छोटा सा एक लास्ट पूछ रहा हूँ कि शुभ अशुभ मा ग्रहण त्याग छे, शुद्ध केवल ए निकाल छे, शुभ अशुभ नो निकाल करवो दादा श्री भगवान कहे, और एक बार पढ़ता हूँ मंगता है तो, शुभ अशुभ मा ग्रहण त्याग छे, शुद्ध केवल ए निकाल छे, शुभ अशुभ नो निकाल करवो दादा श्री भगवान कहे, ये जो अपने जीवन में जो जो संयोग आता है, तो कई संयोगों अपन को अच्छा लगता है, कई संयोग अपन को खराब लगता है, हमको पसंद है पसंद नहीं है, सब होता है कि नहीं, होता है ऐसे, तो अभी चोरी करने का आता है, अपन को पसंद नहीं पड़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, भी चोरी करना छोड़ दो, बराबर है, किसी को दान करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, तो है कि चोरी करने का बंद किया, वो अशुभ का त्याग किया, और दान का ग्रहण किया, समझ में, दान करते हैं अच्छा लगता है, किसी को हेल्प करते हैं वो अच्छा लगता है, तो शुभ का ग्रहण किया, तो ये अकर्म विज्ञान में
शुद्ध जो शुद्ध है तो वहां शुभ और अशुभ कुछ ऐसा ही नहीं है। अच्छा, शुभ को ग्रहण करने का नहीं रहता है और अशुभ को त्याग करने का भी नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए उसका निकाल दोनों का निकाल करने का है तो हम शुद्ध होते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोनों का निकाल करने का होता है। अच्छा, शुभ है उसका भी निकाल करो, अशुभ है उसका भी निकाल करो। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया। दोनों निकालिए तो वहां ये ज्ञान मिलने के बाद शुभ अशुभ रहा नहीं। बरोबर, तो हमको शुद्ध मार्ग दिया है। बरोबर है, शुभ अशुभ का मार्ग नहीं है। बरोबर है, तो ये दोनों को निकाल निकाल करने का है। बरोबर है, जो जो अवस्था आती है उसमें अशुद्ध का भी आता है, शुभ का भी आता है, अशुभ का भी आता है। बरोबर है, अच्छे विचार भी आते हैं, खराब विचार भी आते हैं। बरोबर है, तो दोनों निकालिए। बरोबर है, अच्छा काम करने का भी आता है, खराब काम करने का भी आता है। बरोबर है, तो दोनों निकालिए, दोनों अच्छा, का निकाल करने का है। मुझे निकाल करने का है, बुरा काम का भी निकाल करने का है। मुझे ये दादा श्री भगवान का एक के जो ये जो 108 पद है, ये मैं हूँ, खुद मैं महाराष्ट्रियन हूँ लेकिन गुजराती थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये 108 पद पढ़ने के बाद में मुझे सचमुच एक अलग सी, जिसको बोलते हैं आत्मा की ताकत, मतलब एक्सेप्ट, अभी ये जो आपको तीन पूछा ये छोड़ के बाकी सब पद सुनने के बाद में, कान में गूंजने के बाद में बोलते समय एक अद्भुत सी ताकत महसूस हुई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे श्रीकांत जी। मोनिका जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं एक, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हे दादा भगवान, उदय कर्म आज फल देने के लिए तैयार हुआ, ये प्रमाण रूप में व्यवस्थित शक्ति संयोग एकत्र करेगा, लेकिन मेरे पिछले अज्ञान की चिकनाहट के कारण ऐसे संयोगों में मेरापन और अपनापन का भाव जगाएगा, ऐसा मानने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु आज्ञाधीन भाव से मेरा यह दृढ़ निर्णय निश्चय है कि शुद्धात्मा स्वभाव से मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। मतलब ये मेरापन और अपनापन का भाव जगाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरापन और अपनापन का भाव जगाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ये जब अवस्था आती है तो क्या खड़ा हो जाता है कि मेरा है, मैं ऐसे हूँ, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब आता है कि नहीं? आता है, ये सब हो जाता है कि नहीं? हो जाते हैं। कोई हैरान कर, तो आपको हैरान करता है, वो हेल्प करता है, हैरान करता है, उसमें ज्यादा हो जाता है कि क्या हो, उसने मैंने ऐसा किया वैसा किया, हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है, होता है कि नहीं? होता है। तो मेरापन अपनापन सब आ जाता कि नहीं? आ जाता है, सही है। लेकिन ये उसमें क्या समझ है कभी, ये जो भी आया है मेरे मेरा कर्म का हिसाब से आया है। अच्छा। और दूसरा क्या कि ये जो भी आया है वो मोनिका का है, मेरा नहीं है। अच्छा, समझ में आया? हाँ। जो भी हिसाब है मोनिका का व्यवहार है, मेरा व्यवहार है नहीं। वो उसको अच्छा लगता है तो भी मोनिका का है, खराब लगता है तो भी मोनिका का है, मेरा नहीं। मैं वो सभी संजोगों में मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। ये मेरा स्वभाव है। वो राग द्वेष करना है वो मोनिका का स्वभाव है। अच्छा। सही गलत करना है मोनिका का स्वभाव है। समझ में आया? तो ये जो अपने मोनिका का स्वभाव का हमारा खुद का स्वभाव मान लिया, यानी कि रिलेटिव को रियल मान लिया, तो सब खड़ा हो जाएगा। ये रिलेटिव और रियल को कैसे, मतलब पांच आज्ञा में अपन माने किस तरह से? नहीं, आपने ज्ञान लिया ना? हाँ, ज्ञान लिया।
हाँ तो फिर वो मैं रिलेटिव से मोनिका हूँ और रियल से शुद्धात्मा हूँ, वो आगरा मिली कि नहीं? वो तो मिली, लेकिन किस तो अभी तरह से देखे हैं उसको? जो रिलेटिव भाग है वो मोनिका का भाग है, उसकी जो भी अवस्था आती है सब रिलेटिव है कि पर वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी टेम्पररी है ना, विनाशी है ना, आगे चले जाने वाली है ना सब अवस्था, लेकिन हमने उसको परमानेंट मान लिया है। क्या मान लिया? परमानेंट मान लिया उसको, अवस्था को। हाँ सही, उसके हिसाब से हम चलते हैं ना। हाँ परमानेंट के हिसाब से। परमानेंट यानी कि समझो कि मैं व्यवहार बताऊं, समझो कि आपके घर में नौकर है, उसने चोरी की तो आप कायम के लिए उसको चोर की तरह देखेंगे ना? हाँ सही बात। तो कायम के चोर है क्या? सुधरने वाला है? नहीं नहीं, कुछ भी मजबूरी है उसके हिसाब से चोरी की है, लेकिन वो कायम चोरी करने वाला नहीं है। हाँ, कायम के लिए चोर नहीं है, लेकिन हम तो उसको कायम का मान लेते हैं ना। हाँ सही बात है, मान लेते हैं। समझ में? तो फिर हाँ, क्या होएगा उससे? सही, प्रॉब्लम होएगा, अपन को ही प्रॉब्लम होएगा ना। हाँ सही बात। तो भी ये रिलेटिव भाग है, तो रिलेटिव भाग टिकने वाला नहीं है, वो कायम का है नहीं। सही, समझ में आया ना? हाँ। बीमार हो जाते हैं तो भी कायम के लिए बीमार भी नहीं रहते, और अच्छे हो जाते भी कायम के लिए अच्छे भी नहीं रहते, फिर बीमारी आ जाती है। सही नहीं है? होता है, लेकिन जो टेम्पररी है उसको परमानेंट मान लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। सही, समझ में आया ना? हाँ समझ में। स्वामी जी मेरा भी प्रश्न है। प्रॉब्लम सब खड़ा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, समझ में आया? पूछना रिश्ता का। हाँ आया, समझ में आ गया। स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे सच्चिदानंद स्वामी जी, स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि धीमे धीमे जल्दबाजी मत करो। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि मैं मम्मा की बात नहीं मानता हूँ, तो कहता हूँ मैं तो नहीं आऊंगा। जैसे कि मैं खेलने जाता हूँ तो मम्मा कहती है बाजा आजा आजा, तो भी मैं नहीं आता हूँ। क्यों, क्या तकलीफ होती है तेरे को? मैं खेलता रहता हूँ, फिर मम्मा बुलाती है, फिर मैं छत पर चले जाता हूँ। तो अभी क्या करना है तेरे को? मम्मी की बात नहीं मानता। लेकिन क्या करना है तेरे को? करना क्या है तेरे को? करना क्या? पढ़ाई करनी कि खेलना है? पढ़ाई करनी। नहीं, तेरे लाइफ में आगे बढ़ना है कि ऐसा ही रहना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो मम्मी की बात मानोगे तो आगे बढ़ सकोगे कि नहीं? बढ़ेंगे। तू खेलने चले जाएगा तो आगे बढ़ सकेगा? नहीं। तो मम्मी जो बोलती है कि पढ़ने बैठो तो उसकी माने ही है, तो आगे बढ़ सकेगा कि नहीं तू? नहीं। तो अभी क्या करेगा बोल तू? पढ़ाई। हाँ पढ़ाई। हाँ तो जो मम्मी बोले वो करने का। जीवन में तो आगे बढ़ना है, अच्छा मार्क्स आना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो मम्मी जो बोले उस तरह करने का। ठीक, बराबर है। अभी क्या करेगा बोल? अभी क्या करेगा तू बोल? मम्मी के हिसाब से चलेगा कि तेरे हिसाब से चलेगा? मम्मी के हिसाब से। हाँ बस चल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा एक क्वेश्चन था, ज्ञान लेने के बाद महात्माओं को उनकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, और दूसरा पुण्य ही ज्यादा करने के लिए मनुष्य को महात्मा को क्या क्या करना चाहिए? क्या पुण्य? पुण्य जमा करने के लिए
माने महात्माओं को क्या क्या करना चाहिए? ये पुण्य में से तो अपन को निकाल दिया दादा ने। अच्छा, नई पुण्य होएगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। आपको जन्म लेने की इच्छा है? नहीं है अभी। हाँ तो नहीं, जन्म तो अभी हमारे हाथ में है नहीं ना साहब। संयोग आते हैं चले जाते हैं। मोक्ष होना है कि जन्म लेना है भाई? मोक्ष लेना है। नहीं आप तो जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य आएगी तो। अच्छा ऐसा। हाँ नहीं अभी कभी पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ने का नहीं है। अच्छा समझ में आया ना? जो भी आया उसका निकाल कर दो। अच्छा सबका निकाल ही करते रहने का है। हाँ और वही अपनी दिनचर्या है, दूसरी कोई दिनचर्या है नहीं। वो सभी अवस्था में रिलेटिव से मैं सुरेश भाई हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, वही अपनी दिनचर्या है, दूसरी कोई दिनचर्या है नहीं। ऐसा नहीं तो ये आप ही जो भी करते हो करते रहो। नहीं जमा ये समझ के साथ करते रहो बस। अच्छा नहीं पांचवे में है ना जमा खाता, जमा करने का है पांचवी आज्ञा जो है। जमा यानी कि कैसा है कि जैसे जैसे ये जो कर्म का हिसाब है छूटता जाएगा। अच्छा तो आप शुद्ध होते जाओगे कि नहीं? अच्छा फिर बाकी क्या रहेगा? पूरा का पूरा शुद्ध भाग आपके पास आएगा कि नहीं? अच्छा कर्म सब निकल गए, सब अवस्था निकल गई तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? अच्छा। शुद्ध भाव रहेगा ना पूरा, शुद्धात्मा भर पद रह जाएगा तो सब शुद्ध हो जाएगा नहीं? आप सब शुद्ध हो जाएगा तो सब जमा हो गया कि नहीं? बराबर समझ में आया। वो पहला सवाल दिनचर्या क्या होनी चाहिए नान के बाद? आए वही बोला ना, दिनचर्या में एक ही है ये सभी जो भी आप करते हो उसमें रिलेटिव से मैं सुरेश भाई हूँ, रियल में शुद्धात्मा हूँ, वो समझ के साथ करने का है, वही अपनी दिनचर्या है। अच्छा माने पूरे आप जो ज्ञान लेने के बाद पूरा जीवन काल इसी में निकाल देने का है? आप नहीं जो भी ये करना नहीं करना है तुम्हारी सत्ता में है नहीं। अच्छा नहीं जो भी संजोग आते हैं हो जाएगा, तुम उसको अटका नहीं सकोगे। तुम्हारे से हो जाएगा, खराब करने का आएगा वो भी हो जाएगा, अच्छा करने का आएगा वो भी हो जाएगा। अच्छा खराब नहीं करना अच्छा करना वो तुम्हारे सत्ता में है नहीं। नहीं कोशिश तो करते हैं कि संभावे निकाल हो, तुम्हारी सत्ता में नहीं है। अच्छा। तुम्हारी सत्ता जो सत्ता में नहीं है उसको सत्ता में क्यों ले जाते हो आप? बराबर उसको छोड़ दो, उसे सब निकाली है बराबर। लेकिन अपनी अपनी सत्ता में क्या है कि मेरे सभी अवस्था में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अपनी सत्ता में। अच्छा सत्संग करवाना, सत्संग करना और सत्संग सुनना, ये तीनों में फर्क क्या है सर? सत्संग करवाना और सत्संग करना दादा भगवान का, और सत्संग सुनना समझना, तीनों में कुछ है क्या परसेंटेज वाइज सर? नहीं परसेंटेज वाइज क्या है मैंने कुछ पुण्य ही है क्या उसमें? एक सीधा है अभी, ये जो भी है हमें समझना है, दूसरा ज्ञान का है नहीं, ज्ञान को समझना है, आज्ञा समझने की है बस। हमें आज्ञा मिली है, ज्ञान मिला है, आज्ञा मिली है तो आज्ञा समझ लेने की है, दूसरा कुछ भी करने का नहीं है। बराबर समझ में आया ना? बस ज्ञान समझना है। हाँ आज्ञा समझनी है, आज्ञा समझनी, समझ में आया ना? ठीक जय सच्चिदानंद। अब कौन है? चारवी को प्रश्न नहीं है फिर बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए स्वामी जी। मेरा ये प्रश्न था कि चेतन और अचेतन जब मिलते तो तीसरा गुणधर्म कौन सा उत्पन्न होता है? क्या चेतन और अचेतन जब मिलते हैं तो तीसरा गुणधर्म कौन सा उत्पन्न होता है? ये अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार।
जी स्वामी जी, क्या इसको थोड़ा आप स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। यानी उसको व्यतिरेक गुण बोलते हैं, चेतन और अचेतन, यानी कि जड़ और चेतन इकट्ठे होते हैं तो व्यतिरेक गुण से खड़ा हो जाते हैं। जैसे वो स्टील पड़ा है और बारिश गिरती है तो भेज वाला वातावरण होगा या कहीं होगा, होगा तो मॉइस्चर लगेगा कहीं उसके ऊपर, तो क्या उसको तो क्या बोलते हैं हिंदी में स्वामी जी? तो काट लग जाए, काट को क्या बोलते हैं? रस्ट, रस्ट, रस्ट हो जाता है स्टील में, रस्ट आ जाता है कि नहीं? जंग, जंग लग जाता है। जंग लग जाती है ना, तो जब बारिश के हिसाब से होती है जंग, तो स्टील के उसका गुण है, उसका भी गुण नहीं है, तो बारिश का भी गुण नहीं है। लेकिन जो भेज वाला वातावरण है और स्टील पड़ा है तो उसमें जंग लग जाती है, यानी तीसरा खड़ा हो गया कि नहीं? हो गया। समझो कि भी स्टील के ऊपर गला लगाओगे तो जंग नहीं लगेगा ना, कितनी भी बारिश गिरे उसको जंग नहीं लगेगा। जी स्वामी जी, यानी तो उसका गुण नहीं है, बराबर? जी स्वामी जी। तो जी स्वामी जी, बारिश आती है तो स्टील के अलावा दूसरी कोई चीज पर जंग लगता है? दूसरी कोई चीज पर जंग लगता है? नहीं, स्टील पे लगता है, नहीं होता है। तो यानी वो भेज का भी, बारिश का भी गुण नहीं है, वो जंग लगाता नहीं है, वो स्टील भी जंग लगा है, लेकिन वो दोनों साथ में रह के वो तीसरा खड़ा हो जाता है जी स्वामी। तो ये जंग निकल जाता है। उसी तरह ये जड़ और चेतन इकट्ठा होता है, एक अहंकार खड़ा हो जाता है जी स्वामी। समझ में आया? फिर अहंकार से पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है जी स्वामी। समझ में आया? बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। ओके, जय सच्चिदानंद। थैंक यू आरव। ये दोनों आप आरव आरव करके लिखा है, इसको ओके। ब्रिज कुमार जी, जय सच्चिदानंद। ये अभिप्राय है, ये हम, ये सारे संसार चक्र का केंद्र है। क्या अभिप्राय है? ये सारे संसार चक्र का केंद्र है। बराबर है। क्या समझ? ये हम भी जाने अनजाने में दे देते हैं, हम कैसे बचे? तो अभी का अभिप्राय क्यों हो जाता है? आपने ज्ञान दिया है ना? हाँ, ज्ञान दिया है। तो रिलेटिव से मैं ब्रिज हूँ और रियल में शुद्धात्मा वो रहता नहीं है। अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ, उसके हिसाब से हमको दूसरे की दिखते हैं। हाँ हाँ, तो दूसरे का दोष दिखते है, फिर दोष दिखते है तो इसके हिसाब से अभिप्राय बढ़ जाता है कि नहीं, भी ऐसा है वैसा है। हाँ, हो जाता कभी, हो जाता है ना। हाँ, ये जो फिर अभिप्राय पड़ता है तो फिर नया कर्म बन जाता है कि नहीं? अच्छा, तो नया कर्म बन जाता है तो नई दुनिया खड़ी हो जाती है कि नहीं? ये जन्म मरण चलता रहता है कि नहीं? तो ये आज्ञा का वो है, कचास। हाँ, वो कचास है, वो समझ लेनी है पूरी पूरी। आज्ञा जगह छूट गया, आता जाएगा, अभिप्राय कम होता जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। हाँ, अभिप्राय पड़ गया है अभी,
धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, जैसे जैसे समझ में आता रहेगा। मुझे समझ लेना है पूरा, ऐसा नक्की होगा तो ऐसा संजोग मिल जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। किसी दिन जाएगी अपने करेंगे करेंगे तो अभिप्राय कम होता जाएगा, देखेंगे तो अभिप्राय बहुत बढ़ता जाएगा। ठीक है, जय सच। फिर उसके हिसाब से पूरा संसार खराब हो जाएगा। हाँ ये वीकनेस है। ठीक, जय सच, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी अनम्यूट करे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि जैसे पहले तो लगता था कि जैसे हर व्यक्ति फाइल है, लेकिन फिर सुना हर संयोग फाइल है। तो ऐसे दिन में बहुत सारे संयोग आते हैं, बहुत सारे, मतलब इतनी इतनी फाइलों का संभाव से निकाल करना होता है। तो हर संयोग का मतलब हर संयोग आता है तब अपने को बोलना, मतलब मन में निश्चय करना होता कि इसका फाइल से संभाव से निकाल करना है इस फाइल का। तो ऐसा तो ऐसा है कि अपन को ये दृष्टि मिली, ज्ञान मिला, तो फिर उसके बाद में हमें जो जो संयोग आता है अपने जीवन में, जो जो अवस्था आती है, सभी का संभाव से निकाल करने का है। अच्छा, जो जो तो संयोग तो आता ही रहता है और जाता भी रहता है, अपनी अवस्था चेंज होती है पूरे दिन में, सब अलग अलग संयोग आता है कि नहीं। हाँ आता है स्वामी, अभी अवस्था आती है कि नहीं आता है स्वामी। तो सभी अवस्था का यानी कि सब संजोग ही है, तो सबका संभाव से निकाल करना है। तो संभाव से निकाल यानी क्या है भी, जो क्या नाम तुम्हारा? नीता। नीता, तो ये जो संजोग है, जो अवस्था है, वो नीता का अवस्था है और मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा रहा आपको तो उसका निकाल होगा कि नहीं होगा स्वामी जी? सभी अवस्था में रहेगा तो सभी अवस्थाओं का निकल हो गया कि नहीं? हाँ स्वामी जी। और उसके जो जो अवस्था आती है, जो संयोग आता है, हमें दूसरे का दोष नहीं दिखता है, हमारा दोष दिखता है, तो उसके प्रति कोई भी द्वेष नहीं होता है, राग नहीं होता है, तो उसके उसका संभाव से निकाल हो जाता है कि नहीं? जी स्वामी जी। समझ में आया कि नहीं? जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आराम, अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था, लोभ को दूर कैसे करें? हाँ, लोभ को दूर कैसे करें? क्या लोभ है? लोभ को दूर कैसे करें? नहीं, आपको क्या लोभ किसका है? कौन सा लोभ है? लोभ कोई भी चीज का था, मैं फिर भी चीज मिल जाती है खाने में तो मेरे को लगता है और खाऊं और खाऊं, और अब ना खेलता हूँ तो लगता है पूरे दिन खेलूं पूरे दिन खेलूं, मैं वॉक करता हूँ तो लगता है कि पूरे दिन करूं पूरे दिन करूं, तो उसको दूर कैसे करूं? नहीं, बराबर सुना ही नहीं पड़ता तेरा आवाज, बराबर बोलो, फिर से बोलो। स्वामी जी धीमे धीमे बोलिए। मैं कोई भी मेरे फेवरेट चीज बनती है खाने में तो लगता है कि और खाऊं और खाऊं, और खेलता हूं तो लगता है और खेलूं और खेलूं, वर्क करता हूं तो लगता है कि पूरा कर दूं और करूं, तो उससे दूर कैसे करूं? तुम फिर ये समझ लेना कि मैं और पूरा खाता हूं और ज्यादा खा लेता हूं तो फिर बाद में मुझे क्या तकलीफ होती है वो देख लेने का, और मैं बहुत खेले जाते हो तो मेरा पढ़ाई रह जाता है, फिर मास कम आता है, वो होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो फिर ये देखने का हमें ये समझ में आ जाएगा कि ज्यादा खाने से मुझे ये तकलीफ होती है, ज्यादा खेलने से मेरी पढ़ाई बिगड़ती है, ये सब
समझ में आ जाएगा तो तेरा बंद हो जाएगा जी। समझ में आया ना? तुम देखते रहो मैं खाने से मुझे क्या तकलीफ होती है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कुछ भी होता है, गड़बड़ होता है कि नहीं होता है। के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, घर में बैठा रहना पड़ता है, खेलने को नहीं मिलता है, ये आप सब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वर्क करता हूँ तो ऐसा होता है कि पूरा वर्क कभी कर लूंगा फिर बाकी पूरे टाइम खेलता ही रहूंगा, ऐसा रहता है। ये बराबर है, ये होता है, लेकिन तेरा ये तू ध्यान रखेगा, ध्यान में आता है कि नहीं, मैं खेलते रहता हूँ तो मेरा पढ़ाई कम हो जाती है, फिर मार्क्स कम जाता है, रिजल्ट मेरा बिगड़ जाता है, सब मालूम होता है कि नहीं होता है। तो भाई तुझे रिजल्ट अच्छा लाना है कि खराब लाना है? अच्छा लाना है। तो अच्छा तो उसके हिसाब से तुझे सोचना पड़ेगा ना, तो मैं ज्यादा खेलूँ की ज्यादा पढ़ाई करूँ? ज्यादा पढ़ाई करूँ नहीं, मीडियम रखूँ, नॉर्मलिटी में रखूँ। आए बराबर है, ले नॉर्मलिटी क्या है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई कम खेलना। नॉर्मली जो अपने हमारे हिसाब में जो भी आए उसमें सिंसियर रहे वो नॉर्मलिटी है जी। नॉर्मलिटी का मतलब क्या है? हमारे सामने जो भी चीज है उसको बराबर करनी। हमारा अपना अभी का क्या है कि मेरी जो एज है, उम्र है, तो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो पढ़ाई अच्छी करनी है, वो हमारा गोल है। तो नॉर्मलिटी कैसे आएगी? तो बराबर पढ़ाई करेंगे तो नॉर्मलिटी आएगी कि नहीं आएगी? फिर पढ़ाई करने के बिना तू खेलने चला जाए तो नॉर्मलिटी रहेगी? रहेगी। नॉर्मलिटी रहेगी ज्यादा खेलेगा तो? नहीं नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें आया। उसमें पूरा ध्यान रखना है, बाकी के टाइम में खेलो ना जी, पढ़ना भी है और खेलना भी है। लेकिन पढ़ने में कितना टाइम देना है, खेलने में कितना टाइम देना है, तो उसमें सब में नॉर्मलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी उससे ज्यादा खेलना नहीं है जी। तो मेरा ये पढ़ाई का मेरा ये अभी रोल आया है तो पूरी पढ़ाई कर लूं जी, तो पूरी लाइफ में नॉर्मलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ में आया जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब सोच सब सही हो जाएगी ना तो ये सब निकल जाएगा तेरे से जी। स्वामी जी, स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राम आपको सवाल है? किसी और को सवाल? राम बोलिए, इनको गुलाब जामुन खाना है बस। हाँ। राम को केवल गुलाब जामुन खाना है, बोलते वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए, और किसी को प्रश्न? बोलिए, आखिर का सवाल है। कोई नहीं, सुरेश जी। अच्छा एक मिनट है, सुरेश जी आपको लेते हैं। श्रीकांत जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, समय है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे बोलते हैं कि अपना जब लास्ट भव होता है तब कोई पुरुषार्थ करना रहता नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्या करना रहता नहीं है? अपना जब लास्ट भव होता है तब कोई पुरुषार्थ करना नहीं होता। वो अभी जब हमने पूरा अपना चारित्र मोह खत्म हो गया तो अगला भव जब अपना महाविद्या क्षेत्र में होगा तब वहां पे कोई पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, वो पूरा चारित्रम वही है, जहां तक निर्वाण होता है वहां तक सब चारित्रम वो है। समझ गया? पुरुषार्थ कुछ है नहीं, वो जो भी अवस्था है
मैं रिलेटिव से श्रीकांत हूँ, रियल में शुद्धात्मा हूँ, अपने स्वरूप में रहे वही पुरुषार्थ है, दूसरा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। वो पुरुषार्थ तो लास्ट तक चलता ही रहता है। नहीं नहीं, जब हम बोलते हैं कि पूर्ण जब केवल दर्शन हो गया तब केवल ज्ञान का बीज पड़ता है, कोई पुरुषार्थ करना बाकी नहीं रहता, तो ये क्षेत्र में अभी केवल दर्शन पॉसिबल है। हाँ, लेकिन वो किसने बोला ऐसा? नहीं नहीं, केवल जरूरी नहीं है, वो किसने बोला? नहीं, केवल ज्ञान होने से पहले केवल दर्शन होना जरूरी है। हाँ, वो तो सिस्टम ही है, वो सिस्टम ही है। हाँ, नहीं मतलब समझो अपना महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ, लेकिन वहां पे अगर सिमंदर स्वामी का दर्शन ही अगर नहीं हो पाया तो वापस महाविद्य क्षेत्र से बरस क्षेत्र में आना पड़े। आना पड़े भी ऐसा नहीं है, आपकी जैसी वृत्ति है, जैसा जैसी जैसी वृत्ति है उसके हिसाब से जन्म होता है। आपको क्या चाहिए, संसार चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या है आपको मोक्ष चाहिए, उसके हिसाब से आपका जन्म होता है। आपको मोक्ष में जाना है और ऐसा ऐसा व्यवहार हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा शुद्धिकरण अंदर से हो जाएगा तो सीधा महाविद्य क्षेत्र चले जाएंगे। बरोबर है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में नहीं रहे और पाप में आरा के लायक जीव बन गए, चोरी लबाई सब किया, तो इधर वापस आ जाएंगे। हाँ, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि महाविद्य क्षेत्र में एवरेज लाइफ जो बोलते हैं, हाँ, किसका 1,00,000 साल है, तो इतना महाविद्य क्षेत्र में जाने के बाद में भी, केवल दर्शन हो जाने के बाद में इतना लाइफ जीना पड़ेगा वहां पे भी? ये आपको क्या देखने का है, वो सब निकाल ही है, अभी निकाल करने का है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसा भी आया है। हाँ हाँ, तो 1,00,000 साल निकालना पड़ेगा तो भगवान के पास निकालना पड़ेगा ना, ये कलयुग में निकाला तो अच्छा लगेगा? मैं कलयुग में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कलयुग में वो तो उसके हिसाब से जैसे जैसे सब क्षेत्र है, सब क्षेत्र का अलग अलग रहता है, आयुष्य सब अलग, आयुष्य है, बॉडी है, सब अलग अलग रहता है सभी क्षेत्र में, तो उसके वो क्षेत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बरोबर है, तो अपना ये क्षेत्र के हिसाब से चलेंगे? नहीं, ये क्षेत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो क्षेत्र का जो हिसाब है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अभी उसको ये विचार करने की जरूरत ही कहाँ है, हमें तो मोक्ष में जाना है, विचार नक्की करना है, बस हो गया। बरोबर है, लेकिन हम जब बोलते हैं कि सिद्ध क्षेत्र से भी, मतलब महाविद्य क्षेत्र से भी अपने को तो सिद्ध क्षेत्र जाना है, अपना अल्टीमेट गोल इज सिद्ध क्षेत्र। बराबर है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में खाली दर्शन जा सकते नहीं है, उसके लिए महाविद्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा। नहीं, बराबर है, सिद्ध क्षेत्र में आप भी डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप स्कूल में पढ़ते हो, सीधा पीएचडी हो जाते हो, किस कॉलेज में जाना पड़ता है? नहीं नहीं समझा मैं। आप स्कूल में पढ़ते हो और आपको पीएचडी करना है तो सीधा पीएचडी हो जाते हो, फिर कॉलेज में जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, तो वो भी पास करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो भी ये भी पास करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। बस, तो फिर तो जो भी संयोग आया है वो सब निकाल ही है। अच्छा, समझ में आया ना? यस, जय सच्चिदानंद। इतना ही पूछना, क्षेत्र में गए वो सब निकाल ही रहेगा, अभी जो भी है सब निकाली है। अच्छा, कितना भी साल हो जाए वहां। हाँ हाँ, समझ में आया ना? समझ में आया। वो सब कर्म के हिसाब से है, आपने जो कर्म किए है उसके हिसाब से है। हाँ हाँ, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, कंपलसरी है सब। बराबर है। हाँ, तो फिर उसपे सोचने की क्या जरूरत है, तो निकाल कर दे रहेगा, बस खत्म हो गया। बराबर है, हमें तो इतना नक्की रखे हुए, हमें निकाल करना है। बराबर है, इतना नक्की करने का है, तुम्हें यह सोच रहे कि क्या जरूरत है। बराबर है, जय सच्चिदानंद, नहीं पूछना था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, मधुराय।
जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और मेरे को दादाजी के बारे में और सुनाओ। क्या क्या सुना? जो आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। हाँ। और एकदम उनकी वाणी मनोहर वाणी। हाँ। अनुपम वाणी। हाँ। दिव्य वाणी। वो आप उनके मुख से जो आपने सुना है वो हमको सुनाओ आगे बढ़ने के लिए मोक्ष। जैसे जैसे आज्ञा में रहोगे, जैसे जैसे आज्ञा समझ में आ जाएगी, वो सब अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कुछ करने का नहीं है। आखिर मैंने पांच आज्ञा समझता है, वो सब तुम्हारा जो सब आ जाएगा, मनो और आज्ञा सब आ जाएगा। आज्ञा में अक्रम विज्ञान का अप्लाई करने का, अपने जीवन में आज्ञा पालने के साथ अक्रम विज्ञान विज्ञान अप्लाई करने का है। अप्लाई नहीं करने का, ये समझ लिया तो समझ में आ गया तो अप्लाई अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो थोड़ा दृष्टांत दो एक दो। ये जन्म होता है तो बड़े होते अपने आप होते है कि किसी को करना पड़ता है? क्या जन्म होता है? हाँ। जन्म होता है तो जन्म के बाद बड़े होते हैं तो किसी को करना पड़ता है अपने आप हो जाता है? नहीं, अपने आप हो जाते हैं। तो ऐसा ही है। बोलिए। दादाजी की वाणी मनोहर वाणी है। अभी कन्नु दादाजी भी सत्संग उधर आते थे ना कैलमपुरी में। हाँ। तो उधर बैठ एकदम आनंद लगता था, एकदम ठंडक लगती थी, जैसे स्वर्ग में आ गए। वो अभी अभी हम दुकान पे बैठे हैं, आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, वो स्वर्ग जैसा स्थिति नहीं रहता। सब जगह का वातावरण अलग अलग रहता है ना। हाँ, तो मैं कलमपुरी आता था ना जी के दिन अपना माइंड के हिसाब से चलता है, और वहां संसार की याद भी नहीं आती है तो आनंद ही आएगा। बराबर, उधर याद नहीं आती, सच्ची में याद नहीं आती है तो भी आनंद ही रहेगा ना। हाँ, और उधर हॉल में एंटर करते हैं ना, इतने महात्मा देखते, दादाजी आते ही एकदम बस दूसरा कुछ नहीं दिखते, खाली दादाजी देखते, दूसरा कुछ नहीं देखते, वातावरण मिल जाता है, शुद्ध वातावरण। मैं तो आगे बैठने की कोशिश करता लेकिन तीसरे चौथी लाइन में बैठ जाता, लेकिन दादाजी को 2 घंटे तक दादाजी को देखते रहता बस। इधर दुकान में संसार की याद आती है, ये कमाऊ ये कमाऊ इसमें से ये कर लू, ये सब होता है कि नहीं, कि आनंद कैसे आएगा? हाँ, नहीं आता है, आनंद नहीं है। हाँ। तो वहाँ एक शुद्ध वातावरण होता है, अपने स्वरूप का आनंद होता है, तो उसका आनंद आता है, तो इधर ये संसार है तो कैसे आनंद आएगा? वो अभी अभी तो कन्हू दादाजी छोड़ के चले गए हमें। नहीं, वो है अपने हृदय में तो है नहीं। हाँ, हृदय में तो है, हृदय में दादा कन्हू दादाजी दोनों है। है नहीं। हाँ, रात दिन याद करते रहते। हाँ, स्मृति पटेल पे उनका है। हाँ, दादा भगवान कन्हू दादा साहब अपने हृदय में ही है। हाँ, गए है नहीं। मैं उस दिन सुना, उस दिन तो मेरे को एकदम कैसे क्या, जैसे मेरे पिताजी चले गए थे ना वैसे लग गया मेरे को। हाँ, तो सबको होता तो है ना। हाँ। बोलिए, अभी तो सब कुछ बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी रुकना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप महेंद्रानी, अभी हमारा सत्संग खत्म हो रहा है, आप त्रिमंत्र बुलाइए। सुरेश जी आप पीछे पीछे बोलना। हाँ, बोलो। ओम नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एषो पञ्चनमुक्कारो, एषो पञ्चनमुक्कारो, सर्वपावकप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषिं, परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।